खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। लोहरदगा के सदर अस्पताल में हंगामा, इलाज के दौरान जच्चा और बच्चा दोनों की हुई मौत। परिजनों ने लगाया नर्स और डॉक्टर पर लापरवाही बरतने का आरोप। लोहरदगा जिले के एकमात्र बड़े सरकारी अस्पताल सदर अस्पताल का हाल ये, जहां नर्स और डॉक्टरों की लापरवाही के कारण गर्भवती महिला और नवजात शिशु की मौत हो गई। परिजन खून लेकर नर्स और डॉक्टर से इलाज की गुहार लगाते रहे, लेकिन डॉक्टरों द्वारा समय नहीं है बोलकर टाल मटोल कर दिया गया। अंत में महिला की नवजात बच्चे समेत मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने सदर अस्पताल में जमकर हंगामा किया और नर्स और डॉक्टर पर घोर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग करने लगे। वहीं घटना के बाद परिजन लोहरदगा सदर थाना में लिखित आवेदन देकर कानूनी कार्रवाई करने में जुट गए। परिजनों ने बताया कि सोमवार को लगभग 12 बजे गुमला जिला के घाघरा थाना क्षेत्र निवासी सुनील लोहरा की गर्भवती पत्नी मृतिका सीता लोहरा को प्रसव के लिए सदर अस्पताल लोहरदगा में एडमिट कराया गया था, जहां उसका इलाज शुरू हुआ। महिला की तबीयत बिगड़ती चली गई। करीब 2 बजे के आसपास इलाज कर रहे डॉक्टर परिणीता कुजूर ने खून की कमी बताई और खून लाने या मरीज को कहीं और इलाज के लिए ले जाने की बात कही, लेकिन परिजन खून लेने चले गए। शाम तक खून लेकर आए और करीब शाम 6 बजे के आसपास प्रसव हुआ और प्रसव के कुछ ही देर बाद नवजात शिशु की मौत हो गई। वहीं प्रसव के बाद महिला का तेज ब्लीडिंग होने लगा और परिजन खून लेकर नर्स और डॉक्टर से खून चढ़ाने कहने लगे, लेकिन डॉक्टर और नर्स खून चढ़ाने को लेकर कहा हॉस्पिटल में और भी मरीज है, देखते हैं। जिसके बाद महिला की तबीयत बिगड़ती चली गई और अंत में महिला की भी मौत हो गई, जिसके बाद सदर अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ और परिजन नर्स डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग करने लगे और सदर थाना में लिखित आवेदन देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की। वहीं पूरे मामले पर सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर शंकर प्रसाद ने बचाव करते हुए कहा कि मरीज के परिजनों को पहले ही रेफर कर दिया गया था, लेकिन वो नहीं गए। हालांकि डीएस डॉक्टर शंकर प्रसाद ने अस्पताल की ओर से परिजनों के आरोप के सभी बिंदुओं पर जांच कर कठोर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। खबर 365 न्यूज के लिए लोहरदगा ब्यूरो, अमर गोस्वामी की रिपोर्ट। मरीज को तो उसका ब्लड जा रहा था सर, तो ब्लड जा रहा था, सिस्टर को कई बार बोले थे इसका ब्लड काहे बंद नहीं हो रहा है, तो सिस्टर सुनने जैसा नहीं हो रहा है सिस्टर। हाँ। तो बच्चा हुआ थोड़ा देर के बाद में, कितना टाइम में होना, 6 बजे, हाँ 6:30 बजे बच्चा हुआ, तो बच्चा थोड़ा देर ही जिंदा था, उसका बाद में बच्चा खत्म हुआ। तो उसका बाद में उसका भी ज्यादा और ब्लड जाने लग रहा है, तो हम लोग बोले सिस्टर देखिए ना, तो बोल रहे हैं कि लाइए ब्लड लाइए इसका, तो हम लोग ब्लड का व्यवस्था किए तुरंत, ब्लड ले कर आ गया। आधा घंटा हम लोग रुकल थे, उसको कई बार बोले थे सिस्टर ब्लड इस दाम हो गया ऐसे चढ़ाइए, तो सिस्टर दूसरा काम में बिजी हो गए और हम लोग को बात को सुनबे नहीं कर रहे हैं। बार बार जा रहे हैं तो का लिखा पढ़ी कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि ब्लड को गर्म कीजिए गर्म कीजिए। वो लड़का अभी था, वो ब्लड देने वाला ही जगह है और वो ऐसे पेट में करके घुमा रहा है ब्लड इधर उधर गर्म कर रहा है। कई बार बोले से जाओ चढ़वा चढ़वा, नहीं सब सुनबे नहीं कर रहा है सिस्टर साहब, दूसरा काम में बिजी है। हाँ देखिए, हम लोग तो फर्स्ट बार हम लोग लाया गया, मेरा दीदी लाई, ठीक है। कब लाई? लाई है वही 12 बजे लगभग, ठीक है। 12 बजे लाई तो यह जो है पेशेंट डिलीवरी भी हुआ, बच्चा भी हुआ, ठीक है, बच्चा भी हुआ, लेकिन बच्चा जो पैदा हुआ वो ठीक था, तो फिर थोड़ा देर के बाद बच्चा डेड कर गया। प्लस नर्स लोग बोलने लगी कि इसका ब्लड कमी है, ब्लड कमी है तो इसका ब्लड चढ़ाना होगा, ब्लड चढ़ाना होगा। तो हमको फ़ोन किया मेरा दीदी कि तुम जल्दी आओ, यहाँ ब्लड जरूरी है, पेशेंट बहुत सीरियस है। तो हम गए, उसके बाद में उसको देखे पेशेंट को, तो पूरा सीरियस है, सीरियस है। उसके बाद में फिर हम देखे चैम्बर में, डॉक्टर भी नहीं है ना, डॉक्टरीन है कोई नहीं है, खाली एक नर्स थी वो मोटी मोटी सी, वो बोलने लगी कि नहीं इसका ब्लड चढ़ाना होगा, ब्लड चढ़ाना होगा। तो हम लोग ब्लड व्यवस्था करके तुरंत लाए, 6:30 में लाए ब्लड,
ब्लड चढ़ाने के लिए उसको कोशिश कर रहे हैं कि ब्लड मैडम ब्लड चढ़ाइए ब्लड चढ़ाइए, लेकिन वो मैडम बार बार बोल रही है कि नहीं हम लोग पास अभी समय नहीं है, हम दूसरा पेशेंट को देखें कि आपका पेशेंट को देखें, और पेशेंट हम लोग का एकदम लोथ होते जा रहा है पेशेंट, और पेशेंट लोथ होते जा रहा है, मैडम को कितना बार बोल रहे हैं कि मैडम हम लोग को काम कीजिए, लेकिन मैडम कभी सुनी नहीं, बस दूसरा पेशेंट आ रहा है उसको देख रही है, उसका जो है रजिस्टर मेंटेन कर रही है लेकिन पेशेंट को नहीं देख रही है, बोल रही है कि नहीं कि पेशेंट आपका जरूरी है कि मेरा ये रजिस्टर, तो हम बोले कि मैडम हम डायरेक्ट बोले उसको कि आप जब मेरा मरीज नहीं रहेगा तो आप रजिस्टर मेंटेन करके क्या कीजिएगा, हम ऐसा बोले। डेथ कब हुआ? डेथ वही लगभग मैडम को डेथ हुआ है लगभग वही 8 बजे लगभग हुआ है, 8 बजे हुआ, और उसी समय जब पेशेंट से ब्लड ये क्या बोलते हैं फेन आने लगा तब मैडम को बुलाई, उस समय मैडम भी नहीं थे ना डॉक्टर थे और नर्स लोग केवल थी, उसके बाद में आई, उसके बाद में ब्रीथिंग करने लगे, हम हाथ को छू के देखे उसका पल्स रेट एकदम 0 दिखा रहा है, हम तो समझ गए हैं कि पेशेंट डेथ हो गया, फिर भी सब कोशिश कर रहा है, ब्रेथ दबा रहा है ब्रेथ दबा रहा है, लेकिन भी कुछ नहीं हुआ। पेशेंट जब मृत्यु घोषित किया तो हम लोग बोलने लगे कि नहीं नर्स से गलती है और डॉक्टर से गलती है, लेकिन भी सब मानने के तैयार नहीं है, बोल रहा है कि नहीं सर खून कमी है खून कमी है, लेकिन भी हम खून तो कहीं ना कहीं डॉक्टर और नर्स की लापरवाही के कारण एक जच्चा और बच्चा की मौत हुई है, क्या कैसे क्या हुई? ये तो जांच का विषय है, अब इसको हम जो है हॉस्पिटल में देखेंगे कि आखिर बात क्या थी। तो आपने जानने का प्रयास किया क्योंकि हाँ, परिवार वाले ने भी यहाँ पे हल्ला गुल्ला किया, लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी है वो पेशेंट जो है 6 बजे आई थी, वो पीपीएच मतलब पोस्टपार्टम हेमरेज, ब्लीडिंग हो रहा था, उसको भी ब्लीडिंग का केस पहले ही से भी था, बाद में भी था और उसके बाद भी था, इसके बाद इन लोग जो है 2 बजे शायद इन लोग को रेफर किए हैं कि भाई यहाँ पर स्थिति गंभीर है इसको आप ले जा सकते हैं, वो साइन भी किया हुआ है वहाँ पर, पेशेंट के अटेंडेंट साइन किए हैं, मैडम रेफर की है इसको कि ये स्थिति नाजुक है, फिर भी ये बोले कि नहीं हमको यहीं पे इलाज चाहिए, ये तो जानबूझकर की बात हमको प्रतीत होता है, लेकिन फिर भी हम जांच इस चीज़ को करेंगे कहाँ तक सही है क्या है, फिर उन पर कार्रवाई की जाएगी। अगर इस पर दोषी पाया जाएगा तो आगे क्या कार्रवाई? आगे कार्रवाई किया जाएगा उसको, उस पर विशेष कठोर कार्रवाई किया जाएगा, दंडात्मक कार्य किया जाएगा। 365 दिन आपके साथ, अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज, साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।